मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। मैंने ये 21 डेज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है, ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और साथ साथ में जो मेरे फार्मर ज़मींदार भाई है मेरे स्टेट में, उनको भी इसे बहुत लाभ होगा। ये ट्रेनिंग जो 21 दिन की हुई है, ये ट्रेनिंग बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद रही है और सारे जो एस्पेक्ट्स थे फ्लोरिकल्चर में वो सारे कवर किए गए हैं। इसमें जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे और साथ ही साथ जो फील्ड एक्सपोजर हम लोगों का जो हुआ वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है। यहाँ पे जो हमें सिखाया गया कि कुछ अछूते पहलू थे जो फ्लोरिकल्चर से जो है, जैसे सीड प्रोडक्शन का है, जो हम यहाँ पे अब कर रहे हैं एनुअल्स का, विंटर एनुअल्स का सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे फार्मर्स कितना मतलब कमा सकता है, क्योंकि सीधा फार्मर यहाँ से फॉरेन में एक्सपोर्ट करता है। फॉरेन में एक्सपोर्ट करके जो है सीधा फॉरेन की मनी आप इंडिया में जो है ना, फार्मर अच्छी इनकम कमा सकता है। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि हमने इस 21 डेज की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा, ऐसे ही कुछ एस्पेक्ट फ्लोरिकल्चर के जो फार्मर की इनकम को दोगुना कर सकते हैं। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल आप दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरदीप दू और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। सो दोस्तों, अगर गल करें फ्लोरिकल्चर की तो आपको बता दें कि फ्लोरिकल्चर को लेकर कि किसानों की इनकम जो है वो दुगनी कैसे की जाए, उसको लेकर 21 दिन की जो है ट्रेनिंग रखी गई है। सो आइए बातचीत करते हैं, कुछ साइंटिस्ट थे, जानते हैं कौन कौन से राज्य ऐसे हैं और किस प्रकार का ये 21 दिन का पूरा ट्रेनिंग इनकी रही है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र गनी, मैं आया हूँ जम्मू कश्मीर से। मैं एज ए साइंटिस्ट काम करता हूँ कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर में। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, मैंने ये 21 डेज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है, ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और साथ साथ में जो मेरे फार्मर ज़मींदार भाई है मेरे स्टेट में, उनको भी इसे बहुत लाभ होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। क्योंकि जो कि हमने बोला है कि हम एक्सटेंशन में काम करते हैं, हमारा काम ये है कि एक फार्मर जो है वो किस तरह अपनी आमदनी को इम्प्रूव करे, किस तरह इसको रोज़ बरोज़ बढ़ाता जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी है, जो हम जब यहाँ से वापस जाएंगे तो जब हम उनको हम अपने ज़मींदार भाई के साथ शेयर करेंगे तो हमें पूरा यकीन है। कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, जैसे हमने यहाँ पे सीखा है सीड प्रोडक्शन, जो हम एक्चुअली जो हमारे ज़मींदार भाई अभी वहाँ पे नहीं करते हैं ऑन कमर्शियल स्केल, वो हम वहाँ पे ज़मींदार भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे टर्फ, जो ग्रास हम लगाते हैं अपने लॉन्स में, अपने पार्क में जो ग्रास लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि वो भी कमर्शियली पहले कैसे ग्रो किया जाए, ताकि हमारे ज़मींदार भाई उससे भी अपनी आमदनी को बढ़ा सके और उसको भी अपने एक रोज़गार का ज़रिया अख्तियार कर सकें। इसी तरह हमने यहाँ से बहुत सारी और चीज़ें सीखी हैं। जैसे हमने अगर हम हाईटेक की बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स में एक ज़मींदार भाई, एक नौजवान जिसके पास रोज़गार नहीं है, अगर वो करना चाहता है तो वो हाईटेक की तरफ किस तरह जाए, वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किस तरह करें, वो अगर हाइड्रोपोनिक्स में करना चाहता है तो वो किस तरह करें, तो वो हम यहाँ से जाके वो चीज़ें हम अपने जो हमारे बेरोज़गार नौजवान वहाँ पे हैं, वो हम उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपना एक यूनिट खड़ा कर सके, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो सके उनकी। तो मैं पर्सनली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पेयू का, जो और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप है, जिन्होंने हमें एक मौका दिया यहाँ पे आने का और हमने ये बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो ताकि हम भी यहाँ से जाके अपने ज़मींदार भाइयों के साथ शेयर करें और उनकी भी जो आमदनी है, जैसे यहाँ पे इसका जो टॉपिक था डबलिंग द फार्मर्स इनकम, तो हम कोशिश करेंगे उनकी आमदनी भी दुगनी हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कनौजिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं बांदा से आया हूँ उत्तर प्रदेश से। और ये ट्रेनिंग जो 21 दिन की हुई है, ये ट्रेनिंग बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद रही है और सारे जो एस्पेक्ट्स थे फ्लोरिकल्चर में वो सारे कवर किए गए हैं। इसमें जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे और साथ ही साथ जो फील्ड एक्सपोजर हम लोगों का जो हुआ वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है। जैसे टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो जैसे टर्फ मैनेजमेंट है, टर्फ ग्रासेस है, तो उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के जो कुछ फार्मर्स हैं जिन्होंने जो है अच्छा खासा बिज़नेस इसमें खड़ा किया हुआ है, अच्छी खासी इसमें इनकम कर रहे हैं कि घास से को कैसे यहाँ से एक्सपोर्ट करें, लॉन की जो घास होती है। इसके अलावा कुछ नर्सरीज भी हमने विज़िट की और वहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से जो
किसान भाई हमारे जो खेती कर रहे हैं, इसके अलावा जो खेती में जो युवा वर्ग है जो नौकरी की तलाश कर रहा है, वो नर्सरी में भी अपना उद्योग स्थापित कर सकता है और सिर्फ ट्रेडिंग करके इसमें पैसे कैसे कमा सकता है वो भी सीखने को मिला। और इसमें जो ड्राई फ्लावर्स है, ड्राई फ्लावर्स का भी जो उद्योग है उसमें जो हमारी जो गृहिणियाँ हैं वो भी इसको कर सकती हैं और इसमें लाभ कमा सकती हैं। इसमें कई सारे जो उत्पाद हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे जो पहलू थे उस पर चर्चाएँ की गई हैं। और जैसा कि अभी हमारे साथी भाई ने बताया कि साथी वैज्ञानिक ने कि बीज उत्पादन के बारे में भी, तो ये एक ऐसा सेक्टर है हमारे इस फ्लोरिकल्चर में जिसमें अभी बहुत कुछ किए जाने की संभावना है। अभी तो हम फूल के उत्पादन की बात कर रहे हैं और जबकि जब गुणवत्ता युक्त जब हमारे बीज होंगे तभी हमें जो है उत्पादन है उसका है फूलों का, वो हमें अच्छा मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये सारे पहलुओं पर हुआ है और डेफिनेटली कि हम जब यहाँ से जाएंगे तो एक नई आशा के साथ हम यहाँ से जाएंगे और एक नए उत्साह के साथ हम किसानों को वो अपने स्टेट में मोटिवेट करेंगे कि वो फूल उत्पादन की तरफ और इनके जो विभिन्न और भी जो पहलू हैं उस पर वो ज़रूर काम करें और अपने साथ साथ अपने जो सोसाइटी है, जो युवा वर्ग है, उनके लिए भी कुछ लाभदायक करें। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर प्रिंस चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट साइंटिस्ट के पद पर कार्य रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं पंजाब एग्रीकल्चर के फ्लोरिकल्चर विभाग का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने पहला विंटर स्कूल ऑर्गेनाइज करवाया और हम सबको यहाँ पे आने का मौका मिला ताकि हमें विभिन्न जो है टॉपिक्स पर चर्चा करने का भी विषय जो है हमें मिला। जो यहाँ पे हमने सीखा है, इतने 21 दिन के लिए हम यहाँ पे आए थे और 21 दिनों में हमने जो सीखा है, जो हमारा एक टॉपिक था डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम थ्रू फ्लोरिकल्चर, सो यहाँ पे जो हमें सिखाया गया कि कुछ अछूते पहलू थे जो फ्लोरिकल्चर से जो है, जैसे सीड प्रोडक्शन का है जो हम यहाँ पे अब कर रहे हैं, एनुअल्स का विंटर एनुअल्स का सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे फार्मर्स कितना मतलब कमा सकता है क्योंकि सीधा फार्मर यहाँ से फॉरेन में एक्सपोर्ट करता है, फॉरेन में एक्सपोर्ट करके जो है सीधा फॉरेन की मनी आप इंडिया में जो है ना फार्मर अच्छी इनकम कमा सकता है। लोगों को नहीं पता है कि लोग ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, व्हीट राइस की खेती कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है ना ड्राई फ्लावर इंडस्ट्री है, वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन करके आप मतलब फ्लोरिकल्चर के प्रोडक्ट्स का यूज करके आप कैसे वैल्यू एडिट कर सकते हैं, क्या बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जो है हमने पहले तो टाइटल से हमें ये पता लगा कि डबलिंग फार्मर्सिंग कैंप कैसे किया जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ तक ये पता लगा कि डबलिंग नहीं, ये इनकम जो है 4 गुना और 5 गुना किसान जो है आजकल के हाईटेक टेक्नोलॉजी से ना कमा सकते हैं। तो हमने जो सीखा ये हम अपने फार्मर्स को जाके, हमारे स्टेट के फार्मर्स को जाके मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं इनको यूज करना सिखाएंगे। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर बी आर कंबोज, ये भी मतलब उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं कि जो किसानों की आय किस तरह हम जो है ना दुगनी कर सकें। तो मैं पंजाब स्टेट के अंदर आके हमने कई ब्यूज़ के अपने नर्सरी बायोकाव सीड्स इंडस्ट्रीज का विजिट किया कि जो हमें ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्रीज भी हैं कि जो सीड प्रोड्यूस कर रही हैं और अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। तो मैं जो है फार्मर से भी ये कहना चाहूँगा कि धीरे 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 फ्लोरिकल्चर के अंदर आके आप अपना जो है मुनाफा कमा सकते हैं, छोटी से लैंड पे भी आप अपना फ्लोरिकल्चर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बड़ा एरिया चाहिए, आप छोटे से एरिया में भी अपना जो है डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम्स कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं हरियाणा से हूँ सर। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर हरिवक्ष यादव है, मैं तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। इस 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ सीखा है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग को मैंने यहाँ आके, अगर मैंने सोचा कि ये अगर करियर स्केपिंग कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई सारे एवेन्यूज हैं फ्लोरिकल्चर में, सीड प्रोडक्शन है, बोनसाई प्रोडक्शन है, और एनुअल्स का है, और टर्फ प्रोडक्शन है, टेरेस गार्डनिंग है, हाइड्रोपोनिक्स है, एंड डिफरेंट मेनी मोर एस्पेक्ट्स आर देयर। उनको करके फार्मर्स अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। पहले हम काम करते थे रोटी कपड़ा और मकान के लिए,
तो आज हम देखते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान ये ऑलमोस्ट फुलफिल है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब हम लग्जरी लाइफ की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो दिस फ्लोरी कल्चर इज काइंड ऑफ लग्जरी थिंग्स। तो पहले हम एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर डिपेंड होते थे, आजकल हम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बस कुछ फ्लावर क्राफ्ट्स को हम हॉलैंड को भेज रहे हैं, ये यूएसए को भी भेज रहे हैं, एंड मेनी मोर यूरोपियन कंट्रीज आर देयर। इसके थ्रू हम अपने फार्मर्स को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इतना सीखने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, आज वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जो मैंने यहाँ सीखा है उससे वो नेशनल लेवल पर कम्पीट करने में वो सक्षम होंगे, और मैं आपने जो यहाँ पर सीखा है अच्छी तरह से मैं उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा। आपका धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर किरण और मैं सरदार कृष्ण नगर दांतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हॉर्टिकल्चर कॉलेज में। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि हमने इस 21 डेज की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा, ऐसे ही कुछ एस्पेक्ट फ्लोरिकल्चर के जो फार्मर की इनकम को दोगुना कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा, सीड प्रोडक्शन, टर्फ प्रोडक्शन, नर्सरी का जो बिजनेस है वो अभी फार्मर में सिर्फ फार्मर नहीं है, महिलाएँ हैं और यूथ है, और मेन प्रॉब्लम जो है वो एंटरप्रेन्योर की है। तो फ्लोरिकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कम ज़मीन से ज़्यादा आमदनी हो सकती है। तो इस 21 दिन के इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि नर्सरी से कैसे अपनी आय को दुगना किया जा सकता है, या सीड प्रोडक्शन से, या टर्फ से, और बल्ब जो एक सेक्टर है, प्लांटिंग मटेरियल जो है वो रीढ़ की हड्डी है किसी भी खेती की, किसी भी उपलब्धि के लिए सीड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बल्ब का जो प्रोडक्शन है जो कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं अभी दूसरी कंट्री से, हॉलैंड से सारा बल्ब आता है, उसकी पैदावार से जो हमारे किसान भाई हैं वो कैसे आमदनी अपनी दुगनी कर सकते हैं, और जो यूथ हैं वो नर्सरी के बिजनेस में आके कैसे अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। सो वी आर वेरी चेयरफुल, होपफुल हैं कि हम जहाँ जाएंगे इस 21 दिन में जो हमने कुछ सीखा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये हेल्पफुल रहेगा सबके लिए। थैंक यू। मुझे लगता है ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही है, 21 दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और आने वाले समय में जो बच्चे हैं, जो हमारे साइंटिस्ट आए हैं, उनको बहुत चीज़ें सीखने को मिली है, तो दैट कि अपने अगले जनरेशन के जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसानों के लिए क्या कुछ नए चीज़ कर सकते जिनसे उनकी आमदन डबल हो जाए, जो दुगनी करने में बहुत सहायता करेगा ये। और मुझे लगता है आने वाले समय में इस तरह की और ट्रेनिंग की ज़रूरत कैसे हो उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने अपने स्टेट में जा करके, अपने अपने प्रदेश में जा करके इस तरह की ट्रेनिंग को लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसानों को जोड़िए, अपने अपने कॉलेज स्कूल के बच्चों को जोड़िए, यूनिवर्सिटी के बच्चों को जोड़िए, सो दैट कि ये चीज़ें जो है अभी स्टार्ट हुई है ये आगे चलते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। लुधियाना लाइव के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। सो कैमरा पर्सन सागर के साथ हरदीप दुआ को दो इजाजत, धन्यवाद, और जुड़े रहे लुधियाना लाइव के साथ।